हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में इंडिया में डिफेंस सेक्टर ने इमेंस ग्रोथ शो की है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ने इस ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले किया है, और इस जैसे प्रोग्राम्स ही रीजन थे कि पहले जहां इंडिया अपने हर मिलिट्री वेपन एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा के लिए दूसरी कंट्रीज से होने वाले इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहता था, वहीं इंडिया ने न सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए इक्विपमेंट्स और वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, बल्कि कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का काम भी इंडियन डिफेंस सेक्टर को मिल गया। इन्हीं इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट्स में से एक है तेजस फाइटर जेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने इतने सारे एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, फिर हम इस एयरक्राफ्ट को ही स्पेशली मेंशन क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे रीजन है, और वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना तो है कि बहुत से कंट्रीज जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एक्सेट्रा ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट शो किया है, पर आज तक कोई भी डील कंफर्म नहीं हो पाई। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आज तक तेजस एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका। हाल ही में दिल्ली के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक रिटर्न रिप्लाई में बताया कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूएस, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने इंडिया में बने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट्स में अपने इंटरेस्ट शो किए हैं। पर पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलिया के एक सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने इंडिया को इनफॉर्मली बताया कि ऑस्ट्रेलिया इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की सप्लाई के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस डील के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हालांकि इस बारे में ना तो इंडिया और ना ही ऑस्ट्रेलिया किसी ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे रीजंस ये हैं कि इंडियन फाइटर जेट्स के आर्किटेक्चर में कुछ कमियां हैं जो कई रशियन एयरक्राफ्ट्स को उससे बेटर बनाती हैं। हालांकि तेजस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट ना हो पाने का कोई क्लियर रीजन सामने नहीं है, और कई टर्म्स में कुछ दूसरी कंट्रीज के फाइटर एयरक्राफ्ट्स तेजस से बेटर हैं, पर कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी नीड्स तेजस जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उससे पूरी तरह से मैच करती हैं, और उस सिचुएशन में इंडिया के पास तेजस LCA के लिए कई एक्सपोर्ट ऑप्शंस हैं, जैसे कि भारत तेजस Mk1A इजिप्टियन एयरफोर्स से एक पॉसिबल डील को लेकर बात कर रहा है, और इसी डील के पार्ट के रूप में इंडिया ने इन एयरक्राफ्ट्स के प्रोडक्शन के लिए ज्वाइंट फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करने तक का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स से भी इस बारे में बातचीत चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।